और अल्लाह तबारक व तआला के दीन को हम और आप तक पहुँचाया, ताकि हम और आप अपनी दुनिया और आखिरत के सभी मामलात में अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनूदी हासिल करने का रास्ता जान लें और उसको अपना कर दुनिया में भी कामयाब हों और आखिरत में भी कामयाबी से हम किनार हो सकें। हाजिरी ने चुनवा, ये बहस अल्लाह ताला का फजल करम है, उसी का इनाम है, उसी का ये तोहफा है कि आज से इस मस्जिद में बाकायदा जुमा का अहतमाम होने जा रहा है, जुमा की नमाज का और दीगर नमाजों का आगाज होने जा रहा है। मस्जिदें हमारी ज़रूरत हैं और मस्जिदें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं। आप ये बात याद रखें कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात बयान फरमाई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया को यह खसूसियत अता फरमाई है कि अगर ये रूए ज़मीन के किसी भी इलाके में हो, किसी भी शब्बे में हो, नमाज का वक्त अगर आ जाता है तो वहीं वो अपनी नमाज अदा कर ले सकते, अपनी नमाज रूए ज़मीन के किसी भी इलाके में हो, किसी भी छप्पे पर हो, किसी भी मुकाम पे हो, नमाज का वक्त हो रहा है तो आप वहीं के वहीं नमाज अदा कर ले सकते हैं, सिवाय चंद मुकाम के जिनको अल्लाह के नबी ने अलग कर दिया, जैसे कब्रिस्तान में ना नमाज पढ़ी जाए, इस्तिंजा खाना वगैरह वहाँ नमाज ना पढ़ी जाए, बीच रास्ते में नमाज ना पढ़ी जाए, कुछ मुकाम जो अल्लाह के नबी ने अलग किए उनके अलावा किसी भी जगह पर नमाज पढ़ी जा सकती। लेकिन इसके बावजूद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम और आप को इस बात का हुक्म दिया है कि हम और आप मस्जिदें तामीर करें, अल्लाह ताला के इबादत के लिए घर बनाएं। ये अल्लाह के घर हैं, यानी अल्लाह की इबादत की जगह है जहां हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए इकट्ठा होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करते हुए फरमाती हैं कि अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबनाए المساجد في الدور, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहल्ले आबाद हो, बस्तियां बसाई जाएं तो वहां मस्जिदें तामीर करने का अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है। मस्जिदें मोहल्ले में बननी चाहिए, बस्ती में बननी चाहिए, अल्लाह के नबी ने खास तौर पर हुक्म दिया है। और खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके जब मदीना पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो बुनियादी काम किए, तीन बड़े काम थे, उनमें से एक अहम काम ये था कि आपने मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी, उसकी तामीर की, खुद आप ईंटें उठाकर ले जाते थे मस्जिद बनाने में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद बनाने का एहतमाम किया, ये क्यों है? आज हम और आप जब एक नई मस्जिद के आगाज की बात कर रहे हैं तो हमें इस सबक को याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इन मस्जिदों को खुसूसी तौर पर तामीर करने का इस्लाम में ये जो हुक्म है इसके पीछे क्या हिकमतें हैं, इसके पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने क्या मसलहतें रखी हैं, और इनसे मेरी और आपकी, इस समाज की, इस मुआशरे की क्या क्या भलाई अल्लाह ताला ने जोड़ कर रखी है कि अल्लाह ताला ने खुसूसी तौर पर इबादत के लिए मस्जिदें बनाने का हुक्म दिया है। आप अगर देखना चाहें तो इस बात के अंदर या इस मसले के अंदर जुज़ियात और तफसीलात में जाएं, इतने फ़ायदे अल्लाह ताला ने इससे वाबस्ता करके रखे हैं कि हम और आप उसका अंदाज़ा किसी एक खुतबे में नहीं लगा सकते। मैं मुख्तसरन आपके सामने सिर्फ ये कह देना चाहता हूँ कि आप याद रखें, ये मस्जिदें हमारे और आपके दीन और ईमान का की हिफाजत का जरिया है, इन मस्जिदों से हमारे और आपके दीन और ईमान की हिफाजत होती है, इन मस्जिदों से मेरे और आपके ईमान में इजाफा होता है, इन मस्जिदों से हमारे और आपके ईमान में अल्लाह तबारक व तआला तरक्की लाता है, और इन मस्जिदों से मेरे और आपके गुनाहों भरी जिंदगी को गुनाहों से पाक करके नेकियों से आबाद होने वाली जिंदगी अल्लाह ताला इन मस्जिदों के रास्ते से हम और आपको अता करता है। दूसरे अल्फाज में हम और आप कहना चाहें तो यूं कह सकते हैं कि ये वो मस्जिदें, ये वो मुकाम हैं जो हम और आपको सुबह शाम कम से कम दिन में 5 मरतबा हमारी जिंदगी का मकसद याद दिलाते हैं। वो मकसद
जो कभी हम तिजारत में भूल जाते हैं, कभी हम सियासत में भूल जाते हैं, कभी हम अपने अपने घर के मामलात में भूल जाते हैं, कभी हम दुनिया के झमेलों में भूल जाते हैं, कभी अपनी बीमारी में भूल जाते हैं, कभी अपने ऐशो आराम में भूल जाते हैं, ये मस्जिदें मुझको और आपको अपनी जिंदगी का मकसद याद दिलाती हैं और जिंदगी के मकसद से जोड़े रखती हैं। इन मस्जिदों का सबसे बड़ा और बुनियादी काम है जो मेरी और आपकी जिंदगी में नजर आता है। हाजिरीन गिरामी, इन मस्जिदों का किरदार अगर हम बात करें तो यूं समझिए कि किसी भी समाज के अंदर मस्जिद का वजूद दरअसल खैर का मंबा है। जहां मस्जिद बन जाती है वहां से फिर पूरे समाज के लिए रोशनी मिलती, हिदायत की रोशनी मिलती, तौहीद का पैगाम मिलता, अल्लाह की पहचान दी जाती, अल्लाह ताला कौन है, अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक किस किस्म का है, अल्लाह ताला का तारुफ यहाँ से दिया जाता है। وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, ये मस्जिदें अल्लाह तबारक व ताला की हैं, अल्लाह ताला के साथ किसी और को यहाँ न पुकारा करो। तौहीद का पैगाम इन मस्जिदों से आम होता है। इन्हीं मस्जिदों से अल्लाह तबारक व ताला के आखिरी नबी व रसूल प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ पैगाम हर इंसान तक पहुँचता है। आप ये बात याद रखें, मस्जिदें वो मुकाम हैं जहाँ आने वाले इंसानों को सुबह शाम दीन की वो पाकीज़ा तालीमात दी जाती हैं, दीन की वो पाकीज़ा बातें सिखलाई बतलाई जाती हैं कि जिन बातों के ज़रिए इस समाज के हर फर्द तक खैर पहुँचता है। वो इंसान मस्जिद तक ना आता हो लेकिन यहाँ का खैर उस तक ज़रूर पहुँचता है। वो इस तरह कि यहाँ आकर अगर कोई आदमी वाकई मानों में सीख ले, यहाँ आकर वाकई मानों में अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचान ले, यहाँ सुबह शाम आकर आदमी अपने गुनाहों भरी ज़िंदगी से तौबा कर ले, यहाँ से सीख कर समाज में नेकियों को आम करने वाला बन जाए, यहाँ से सीख कर समाज को नुकसान पहुँचाना छोड़कर समाज को फ़ायदा पहुँचाना शुरू करे, तो होगा क्या, यहाँ आने वाला हर मुसल्ली समाज के लिए रहमत बन जाएगा, यहाँ आने वाला हर नमाजी समाज के लिए एक नेमत बन जाएगा। और इस तरह समाज के वो लोग जो मस्जिदों तक ना आ पाए, बहुत सारे गैर मुस्लिम, बहुत सारे हिंदू, बहुत सारे क्रिश्चियन, बहुत सारे इस दुनिया के बेदीन दहरिया किस्म के लोग एथिस्ट जिनको कहते हैं, वो यहाँ ना आए लेकिन मस्जिद का खैर उन तक जरूर पहुँचा। हाजिर गिरामी, मस्जिद का खैर अल्लाह ताला ने बहुत रखा है, मस्जिद के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा खैर रखा है। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कभी किसी समाज के अंदर जब कभी कहीं कोई बस्ती आबाद की जाए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदें तामीर करने का हुक्म दिया है। अल्लाह का फ़ज़्लो करम है कि यहाँ के लोगों ने इरादा किया, कोशिश की और अल्लाह ने किसी बंदे को तौफीक दी, उसने ये घर आपके लिए इमारत की शक्ल में बना कर दे दिया। अल्लाह ताला उस बंदे को भी और आपको भी और दुनिया में जो भी ऐसे अल्लाह ताला के घर बना रहे हैं बनाएंगे आइंदा भी, अल्लाह ताला उन्हें खूब खूब जज़ाए खैर अता फरमाए, उनके घर में उनके आलो औलाद में अल्लाह ताला खैर व बरकत अता फरमाए और इस किस्म के कार खैर के ज़रिए उनके आलो औलाद की तौहीद की, उनकी इत्तिबाए सुन्नत की, उनके दीन और ईमान की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। लेकिन भाइयों, आज आपको मुझको एक बड़ी अहम बात समझनी पड़ेगी, मस्जिदें ये खड़ी हो जाती हैं, ये इमारतें खड़ी हो जाती हैं, हम समझते हैं कि मस्जिदें बन गई तो एक मरहला हमने पार कर लिया, या ये समझते हैं कि हमने मंजिल पा ली, हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। लेकिन याद रखना, ये मंजिल नहीं है, ये सिर्फ पहला मरहला है, ये सिर्फ पहला मरहला है, असल तो इसके बाद हमारा और आपका सफर शुरू हो गया, हमारा और आपका सफ़र इसके बाद शुरू होता है। हम और आपको इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि इन मस्जिदों से हमारा और आपका ताल्लुक और रिश्ता कैसा है, ये सीख कर उसे निभाने की कोशिश करें। देखिए, याद रखें, किसी भी नेमत की कदर क्या है आपको पता है, किसी भी नेमत की सही कदरदानी क्या होती है, उस नेमत का सही इस्तेमाल करना ही उसकी सच्ची कदरदानी है। किसी भी नेमत का सही शुक्र क्या है, हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, ये शुक्र का एक दरवाज़ा है, लेकिन किसी भी नेमत का हकीकी शुक्र ये है कि हम उस नेमत का सही ढंग से इस्तेमाल करें, सही तरीके से इस्तेमाल करें। अब हमारे और आपके हाथ में अल्लाह ताला ने ये नेमत दे दी है, ये हमारे चंद कदमों के फासिले पर है, हमारे पड़ोस में है, हमारे बस्ती और मोहल्ले में ये नेमत अल्लाह ताला ने दी है, और ऐसी ही नेमत तकरीबन हर शहर और बस्ती में, हर मोहल्ले में, हर गली में बसा औकात हम और आपको मिलती है।
सवाल ये पैदा होता है कि इस नेमत की सच्ची कदर कैसे हो, हम और आप इस नेमत का हक कैसे अदा कर पाएंगे। एक लफ्ज में अगर मैं कहना चाहूं तो हम ये बात समझ लें, सीख लें, जान लें कि हमारा मस्जिदों से ताल्लुक कैसा होना चाहिए, हमारा ताल्लुक मस्जिदों से कैसा होना चाहिए, ये सीख कर इसे निभा कर ले निभा ले जाए तो यकीन मानिए कि हमने इस नेमत की कदरदानी की। और आप जानते हैं अल्लाह ताला का ये वादा है कि हम नेमत की कदर करेंगे अल्लाह ताला मजीद नेमतें अता करेंगे, और नेमत की नाकदरी करेंगे, नाशुक्री करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा मेरा अजाब बड़ा शदीद है, अल-इल्म लिखा, अजाब ये भी हो सकता है कि वही नेमत छीन ली जाए, अजाब ये भी हो सकता है कि दूसरी नेमतें देनी है उनको रोक लिया जाए, अजाब ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला कल हिसाबो किताब लेके ये नेमत हमने दी थी इसके हक को तुमने अदा किया कि नहीं किया, हक अदा नहीं किया तो कल अल्लाह ताला के पास हमारी पकड़ हो, हमारी गिरफ्त हो। इसलिए हम और आप मस्जिदों से हमारे अपने ताल्लुक कैसा होना चाहिए इस मसले का जायजा लेकर अपनी जिंदगी में हम उसको अदा करने की कोशिश करें। हाजिर निगरानी, मैं आपके सामने बड़ी ही मुख्तसर अल्फाज में ये बात रखना चाहता हूँ कि मस्जिदों से हमारे ताल्लुक के दराजात क्या है या हमारा ताल्लुक किस किस किस्म का होना चाहिए, एक मस्जिद से हम क्या क्या किस किस नौईयत का ताल्लुक रख सकते हैं जो कुरान और सुन्नत में अल्लाह ताला ने और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम और आपको सिखलाया। सबसे पहले हम और आप अगर देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम और आपको ये सिखलाया बतलाया है कि अगर अल्लाह ताला ने आपके पास इस्तेआत दी है तो हम और आप अल्लाह ताला की इबादत के लिए मस्जिदें बनाने की फिक्र, अल्लाह ने ताकत दी है जहां कहीं जरूरत महसूस होती बिला जरूरत ना बनाए लेकिन जहां जरूरत हो वहां अल्लाह ताला की इबादत के लिए घर तामीर करें, आबाद करें, ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी फजीलत बयान फरमाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन बना लिल्लाह मस्जिद बना अल्लाह लहु बैतन फिल जन्नत। हजरत उस्मान इब्ने अफ्फान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, कहते हैं जो आदमी अल्लाह ताला के लिए एक घर यहाँ बनाता है, एक मस्जिद बनाता है, अल्लाह ताला उस बंदे के लिए जन्नत में घर बनाता है। दोहरी जमानत है, एक जन्नत में दाखिले की जमानत और दूसरी जन्नत में एक घर की तामीर की जमानत है। सही ईमान वाला, सही अकीदे वाला और वाकई मानों में इस्लाम को मानने वाला होकर अगर कोई अल्लाह का घर बना लेता है तो दो जमानतें उसे हैं कि यही मस्जिदें उसके जन्नत में दाखिले का सबब बन जाएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू दर्द फारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू दर्द फारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद बनाओ वलो मन बना लिल्लाह बैतन, जो अल्लाह के लिए घर बनाए, वलो का मिफ़्हस क़ताअत, चाहे एक परिंदे के घोंसले के बराबर, चाहे एक परिंदे के घोंसले के बराबर हो, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। अहले इल्म इस मसले पर गुफ्तगू करते हुए कि घोंसले के बराबर कोई मस्जिद बने तो नमाज कौन पढ़ेगा उसके अंदर, अहले इल्म ने लिखा इसके कई मतलब हो सकते हैं। एक मतलब ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताना ये चाहते हैं कि छोटी से छोटी भी मस्जिद हो, बस मिसाल देने के लिए घोंसले की दी गई, वरना मकसद ये है कि छोटी सी छोटी भी मस्जिद अगर आप बना सकते हो तो बनाएं। और वही बात अहले इल्म ने लिखा कि इसका मतलब ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ये बताना चाहते हैं कि कोई बड़ी मस्जिद बन रही है, आपका हिस्सा उतना ही क्यों ना रहे जितना एक घोंसला बन सकता है, उतना भी अगर आप हिस्सा लगा सकते हैं लगाइए कि ये मस्जिद से ताल्लुक का, मस्जिद से मोहब्बत का, मस्जिद से अपने रिश्ते का सबूत, ये मस्जिद से ताल्लुक का सबसे पहला तरीका है कि हम अल्लाह ताला के घर आबाद करने या मस्जिद बनाने की तामीर करने की हम और आप कोशिश करें। ये पहला मामला नौ पहली नौ ही है। ताल्लुक का दूसरा दर्जा जो हम और आप सबसे मुताल्लिक, इसमें पैसे की जरूरत नहीं किसी चीज की नहीं बल्कि हम सब पर है, वो ये कि बनी बनाई मस्जिदों को आबाद करना सीखे। कम से कम पांच मरतबा बाजमात नमाज में हाजिरी देकर ये कम से कम है, पांच वक्ता नमाजें ये कम से कम है, और ये मेरे और आपके मोमिन होने की अलामत है, मुसलमान होने की अलामत है। आपको पता है काबतुल्लाह के नीचे बांधे कुफ्फारे कुरैश
कुरैश के लोग ईमान नहीं ला रहे थे, लेकिन उनको ज़ान था, उनको अपना एक फख्र था कि हम काबतुल्लाह के निगहबान हैं। अल्लाह ताला ने कहा, कुफर दिल में रखते हुए इमारत को सजा लोगे या उसके तकाजों को पूरा कर लोगे तो इसे मस्जिद आबाद करना नहीं कहते। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, क्या मस्जिदों को आबाद तो वो करते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं, वो अकाम अस्सला और नमाज कायम करते हैं। असल नमाज को कायम करना ही मस्जिद को आबाद करना है, और एक मुसलमान की हैसियत से हम सब की जिम्मेदारी, हम सब की जिम्मेदारी है कम से कम 5 मरतबा मस्जिद में 5 जमात नमाज पढ़ने का एहतमाम करें। इसलिए कि 5 वक्ता नमाजों के अलावा भी बहुत सारे खैर के काम है जो मस्जिदों से जुड़े, लेकिन एक मुसलमान की हैसियत से कम 5 वक्ता नमाजों में हाजिरी हमारी और आपकी जिम्मेदारी। ये मस्जिदों से ताल्लुक की दूसरी शक्ल है। मस्जिदों से ताल्लुक की तीसरी शक्ल क्या है? हम और आप इस बात का ख्याल रखें कि अगर हमसे हो सके बनी बनाई मस्जिद की खिदमत करें। मस्जिद की खिदमत के कई रास्ते, मस्जिद को पाक साफ करते रहें, अगर हमसे हो सका मस्जिद में कोई लाइट चली गई, कोई फैन खराब हो गया, कोई बिजली का तार हो गया, जो हमसे हो सके हम करते रहें। अब आप ये बात जानते हैं कि एक तो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट के होते हुए आपको खामखा उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, एक सिस्टम है, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं कि मैनेजमेंट के पास जाकर आप रखें, फुना काम मैं करवा दूंगा, फुना काम मैं करवा दूंगा, या ऐसे काम जिसमें मैनेजमेंट को कोई एतराज ना हो आप अपने तौर पे कर सकते हैं। मस्जिदों में मुनासिब इंतजाम, नमाजियों की जरूरतों का इंतजाम, आप जो कुछ कर सकते हैं मस्जिदों की खिदमत करें। अपनी जिंदगी में मस्जिदों की कोई ना कोई खिदमत रखें। आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी नेकी होगी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में खातून थी, काली कलौटी थी, काली कलौटी समाज में उसकी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मस्जिद में झाड़ू लगाया करती, मस्जिद को पाक साफ रखती थी। एक मरतबा रात के वक्त उस औरत का इंतकाल हो गया, सहाबा ने रातों रात उसका जनाजा पढ़ा, दफन कर दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं चला। अल्लाह के नबी ने जब दूसरे दिन या एक आध दिन के बाद में देखा खातून नजर नहीं आ रही तो पूछा, वो औरत कहाँ है जो मस्जिद से झाड़ू लगाया करती थी? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी उसका तो इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी ने कहा, मुझे क्यों नहीं बताया? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी हमने सोचा रात का वक्त है, औरत है, दफन कर दिया, कोई मसला नहीं हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दुल्लूनी आला कब्रिहा, उस खातून की कब्र कहाँ है मुझे बताओ। अल्लाह के नबी गए और जाकर उसकी कब्र के पास खड़े होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून के हक में खुसूसी तौर पर नमाज जनाजा पढ़कर मगफिरत की दुआ। आप सोचें मस्जिद की मामूली खिदमत झाड़ू लगाने वाली खातून को भी अल्लाह ताला ने क्या मुकाम दिया कि अल्लाह के नबी खुद आगे बढ़कर जाते हैं, पूछते हैं। नमाज जनाजा का हक तो उसका अदा हो चुका था, लेकिन अल्लाह के नबी जाकर उसकी नमाज जनाजा वहां अदा करते हैं। इससे मालूम क्या हुआ? मस्जिद से ताल्लुक की एक शक्ल ये भी है कि हम और आप किसी ना किसी हैसियत से मस्जिद की खिदमत में लगे रहें। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमें से बहुत सारे हजरात ये देखते हैं कि हम जिन बस्तियों में रहते हैं, जिन इलाकों में रहते हैं, वहाँ मस्जिदें बड़ी शानदार आलीशान हैं, पैसा है, सब कुछ है, इंतज़ाम है, तो जज्बा अगर आपके पास है आप तलाश करके दूर दराज के परियों तक पहुँचिए, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचिए। आपको अंदाजा नहीं है कि मस्जिदें आज भी बहुत सारी हैं जो आपकी खिदमत की मोहताज हैं। आप उनकी खिदमत कीजिए, उन मस्जिदों को आबाद करने की कोशिश कीजिए। मस्जिद से ताल्लुक का ये भी एक दर्जा है। मस्जिद से ताल्लुक की एक और शक्ल की, और वो ये है कि हम मस्जिदों की पाकी सफाई का हमेशा ख्याल रखें, हमेशा मस्जिदों की पाकी सफाई का ख्याल रखें। अब ये पाकी सफाई 2 किस्म की, एक तो ये कि जब हम आए तो हमारी तरफ से किसी भी किस्म की गंदगी यहाँ आने ना पाए, या आए तो उसको हम साफ कर दें, हमने वजू किया, थूका या कुछ भी निकला उसको हम साफ कर दें, हत्ता कि वजू खाने में आपका बलगम तक गिरता है उसको भी साफ करें, बाकी सफाई का ख्याल रखें। आप इस सिंजा खाने में जाते हैं, बाहर निकलने से पहले ये यकीनी बना लें कि बिल्कुल साफ और शफाफ होना चाहिए सिंजा खाना। आप अपने घर में जितना पाक रखते हैं उससे ज्यादा पाकी का ख्याल यहाँ रखें। एक तो ये कि पाकी सफाई में आपकी तरफ से कोई गंदगी नहीं आनी चाहिए, और दूसरी ये कि अगर आप देखते हैं कि कोई और यहां गंदगी करके चला गया है, आप आगे बढ़कर उसे साफ करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान रिवायत फरमाती, अल्लाह के नबी ने मोहल्लों में मस्जिदें बनाने का हुक्म दिया, वअन तुतय्यब वतुनज्जफ,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का भी हुक्म दिया है कि मस्जिदों को पाक और साफ रखा जाए और उसमें खुशबू रखी जाए, उसमें खुशबू का एहतमाम किया जाए कि मस्जिदों के अंदर एक अच्छा माहौल होना चाहिए। आपको पता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, मैं जब मेराज पर गया मेरे सामने मेरी उम्मत के आमाल पेश किए गए कि मेरे उम्मती क्या क्या नेकियां करते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आमाल नामों में मैंने देखा कि अगर किसी ने मस्जिद में पड़े हुए लगे हुए कहीं थूक, पुराना जमाना था, कच्ची जमीन हुआ करती थी, चलते फिरते लोग वैसे थूक देते कि मिट्टी में दफन हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने कहा वो भी अगर मेरी उम्मतों में उम्मतियों में से किसी ने साफ किया है, मैंने देखा कि अल्लाह ताला ने उसका भी हिसाब और किताब नेकियों के आमाल नामे लिख के रखा है। मस्जिदों को पाको साफ रखें, ये दोनों तरफ से, हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई गंदगी यहाँ बाकी नहीं रहनी चाहिए, और दूसरी ये कि अगर कोई और करके गया है जरा भी उसके झिझक महसूस ना करें। हम हो सकता है अपने घर में हम पाकी सफाई ना करते हो लेकिन अल्लाह के घर में जरूर करें, हो सकता है हमारे घर में झाड़ू लगाने वाले दस हो लेकिन अगर अल्लाह ने मौका दे मस्जिद को पाक करें कि ये मेरे और आपके मस्जिद से ताल्लुक का सुरूर है। अज़ीज़े गिरामी, मस्जिद से ताल्लुक का एक और तरीका ये है कि एक ये भी एक तरीका है कि हम और आप जब कभी मस्जिद को आए तो अच्छे लिबास में आए, पाक और साफ लिबास में आए, और जहां तक हो सके जो चीजें बदबू पैदा करती हैं, तकलीफ देती हैं, उनका उनसे परहेज करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम और आपको इस बात का हुक्म दिया कि अगर कच्ची प्याज या लहसुन हमने खाया है तो कच्ची प्याज और लहसुन खाने के बाद हम मस्जिदों में ना आए। क्या मतलब है उसका? इसका मतलब ये नहीं है कि प्याज लहसुन खाकर घर बैठे, मस्जिद तो हमें हर हाल में आना है, लेकिन प्याज लहसुन ऐसे वक्त में ना खाएं जब नमाज का वक्त करीब हो। क्यों? कच्ची प्याज और कच्चा लहसुन अगर आप खाएंगे, आप आएंगे तो आपके मुंह से बदबू निकलेगी, आपको महसूस नहीं होगी, हो सकता है लेकिन आपके दाएं बाएं खड़े मुसल्ली को तकलीफ होगी, और अल्लाह के नबी ने कहा मस्जिद में जो अल्लाह के फरिश्ते हैं उनको तकलीफ होगी। फइन्नल मलाइकता तअद्दा मिम्मा यतअद्दा मिन्हु इब्न आदम, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फरिश्तों को उस बात से तकलीफ होती है जिस बात से इब्न आदम को तकलीफ होती है। तो इस बात का ख्याल रखा जाए कि आए तो बाकी सफाई का एहतमाम करके आए, और इसमें बात साफ तौर पे आप रखें मस्जिदों में आने वाले हजरात बीड़ी सिगरेट वगैरह के आदि न रहे। अगर आप हैं अल्लाह के घरों को आने की खातिर छोड़ दीजिए, उससे छुटकारा पाइए आप। ये गुटके, ये आपके अपने मसाले, ये सारी चीजें जो आपके मुंह से को बदबूदार बनाती हैं या मस्जिद में गंदगी फैलाने का सबब बन सकती हैं, इन सब चीजों से परहेज करें कि यहाँ आने वाले अल्लाह ताला से सामना करने के लिए आते हैं। आपको पता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुसल्ली जब नमाज पढ़ता है, नमाजी जब नमाज पढ़ता है, इन्नमा युनाजी रब्बा, अपने रब से वो गुफ्तगू कर रहा होता है। आप दुनिया के किसी जिम्मेदार ओहदेदार के सामने मुंह में मसाला दबाए हुए बात नहीं करना चाहते, आप जब आते हैं बदबू लेकर किसी के सामने जाना पसंद नहीं करते, आप अल्लाह के सामने आ रहे हैं मस्जिद के अंदर, अपने आप को लाएं तो बाकी सफाई के साथ आए, एहतमाम के साथ आए। अल्लाह ने हुक्म दिया या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ऐ आदम की औलाद हर इबादत के वक्त में या मस्जिद के में आते हुए तुम अपनी जीनत का एहतमाम करो, ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। हाज़िर गिरामी, मस्जिद से ताल्लुक की कई शक्लें हैं, कई सूरतें हैं, उनमें से एक शक्ल ये भी है कि इस मस्जिद को या इन जैसी मस्जिदों को नमाजों के अलावा दीगर जिक्र अज़कार और इल्म की मजलिसों से आबाद किया जाए। यहाँ बैठ कर लोगों को कुरान की तिलावत करनी चाहिए, यहाँ बैठ कर लोगों को सीखना सिखाना चाहिए, यहां से इल्म समाज को मिलना चाहिए। आप याद रखो दुनिया में ईसाई ऐसी कौम है जिनके पास इबादत इल्म से ताल्लुक नहीं रखती, जिनके पास इबादत तो है लेकिन उस इबादत का इल्म से ताल्लुक नहीं। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो हम और आपको सिखाता है कि हमारी इबादतें हमारे इल्म पर मबनी होती है, उनकी बेस उनकी बुनियाद सही इल्म पर होती है, सही इल्म ही सही इबादत की बुनियाद हुआ करती। इसीलिए मस्जिदों को यहाँ से आप इबादत का जो पैगाम देते हैं वो इल्म के साथ होना चाहिए। जिक्रोजगार का एहतमाम करें, जिक्र के लिए इबादत के लिए आए, और साथ में आप यहाँ से इल्म फैलाने का एहतमाम करें। इन मस्जिदों का हकीकी पैगाम पहुँचेगा उस वक्त जब यहाँ से इल्म का सरचश्मा फूटेगा, यहाँ से तौहीद दुनिया को समझाई जाएगी,
یہاں سے اتباع سنت کا معنی دنیا کو سمجھایا جائے گا، نبی علیہ السلام سے محبت کا مطلب اور طریقہ یہاں سے سکھلایا جائے گا، تبھی یہاں سے حقیقی معنوں میں خیر پھیلے گا۔ حاضرین گرامی، ایک بات اور آخری میں اس سلسلے میں ذکر کر دوں، دیکھیں مسجدوں سے تعلق کی بہت شکلیں ہو سکتی ہیں، یہ بنیادی کچھ شکلیں ہیں جو کم از کم ہم اور آپ کو اپنی زندگی میں اپنانی چاہیے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اس ایک مسئلے میں کہ اگر کوئی آدمی باوضو ہو کر مسجد آتا ہے، صرف باوضو ہو کر مسجد آتا ہے تو یہ کتنی بڑی نیکی ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ اگر صرف اس مسئلے میں آپ حدیثیں تلاش کریں، بلا مبالغہ دسیوں حدیثیں ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ فضیلتیں بیان فرمائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی وضو کرے، حضرت عثمان نے وضو کر کے بتایا کہ کیسے اللہ کے نبی نے وضو کیا، کہا جو اس طرح وضو کرے اور اس کے بعد مسجد چل کر جائے، اللہ تعالیٰ اس کے بچے کچھ سارے گناہ ویسے ہی معاف کرتے ہیں۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ باوضو ہو کر اپنے گھر سے مسجد کی طرف چلتا ہے، اس کے ہر قدم پر ایک گناہ اس کا معاف ہوتا ہے، ایک نیکی اس کے حق میں لکھی جاتی ہے اور اس کا ایک درجہ اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے۔ باوضو ہو کر صرف مسجد آ رہے ہیں، آپ کا ہر قدم ایک گناہ معاف کروائے گا، ایک نیکی لکھوائے گا، ایک درجہ اللہ تعالیٰ کے پاس بلند کروائے گا۔ تیسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، خاص طور پر جو علم کے لیے آئے، جو نماز کے علاوہ دیگر عبادتوں کے لیے آئے مسجد کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک مرتبہ پوچھا، بتاؤ تم میں سے کون ہے جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ جب گھر سے نکلا تو گھر میں کچھ نہیں تھا، گھر واپس لوٹا تو وہ دو موٹی تازی اونٹنیاں اس کے گھر میں ہیں، دو موٹی تازی اونٹنیاں اس کے گھر میں بدی ہوئی، واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دو دو اونٹنیاں۔ آج کے زمانے میں اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں، آپ میں سے کون چاہتا ہے گھر سے نکلا تو کوئی سواری نہیں تھی، گھر واپس آیا تو دو لگژری کاریں کھڑی ہوئی، کس کو پسند نہیں ہے یہ بات؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی سب کو پسند ہے، سب کو پسند ہے، سب چاہیں گے کہ ایسا ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا اس سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ تم اپنے گھر سے نکل کر جاؤ اور مسجد میں بیٹھ کر دو آیتیں پڑھ کر آؤ، تمہاری مسجد میں پڑھی گئی دو آیتیں ان دو روٹیوں سے زیادہ تمہارے حق میں قیمتی ہیں۔ بھائیو، ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس مسجد سے تعلق اگر ہمارا اور آپ کا جڑ جائے، زندگی میں کتنا خیر، کتنی برکت ہوگی، اس کا اندازہ اگر آپ لگانا چاہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کو نکلتے تو یہ دعا پڑھتے کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ تعالیٰ میرے دل میں نور بھر دے، میرے دل میں نور بھر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے وہ فی لسانی نورا، میری زبان میں نور عطا کر دے، وسمعی واجعل سمعی نورا، اللہ تعالیٰ میری سماعت کو بھی نور بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے کہ اللہ تبارک واجعل فی لسانی نورا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے اللہ تعالیٰ میرے آمے من امامی نورا، میرے آگے بھی نور، میرے پیچھے بھی نور، میرے دائیں بھی نور، میرے بائیں بھی نور، میرے اوپر بھی نور اور میرے نیچے بھی نور ہی نور، اور آخر میں کہتے اللہم اعطینی نورا، اللہ تعالیٰ مجھے نور ہی نور عطا کر دے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ العلم نے لکھا کہ جو بندہ مسجد کو آتا جاتا ہے، اس بندے کو یہ نعمت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نور ہی نور عطا کرتے، وہ نور جو اس کے دل کی تاریوں کو دور کر کے اس کے اندرون کو روشن کر دیتا ہے، وہ نور جو اس کے اندر بصیرت کو جگاتا ہے۔ دنیا والے عقل مند نہیں ہوتے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور بصیرت ان کو عطا نہ کیا جائے۔ اس نور کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ جو شرک ہے، یہ جو بدعتیں ہیں، یہ جو گناہ ہیں، یہ سارے کے سارے ظلمات ہیں، تاریکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس نور کے ذریعے آپ کو شرک سے نجات دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بدعتوں سے نجات دے گا، اللہ تعالیٰ گناہوں کی زندگی سے آپ کو نجات دے گا۔ حاضرین گرامی، میں یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ مسجدوں سے تعلق پر ہم اور آپ توجہ دیں، اور یہ بات آج دو بڑی اہم باتیں کہنے جا رہا ہوں، ایک بات ماضی کے تجربے کی روشنی میں اور ایک بات مستقبل کے سلسلے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ماضی کا جو تجربہ آپ کے سامنے بتا رہا ہوں وہ یہ
आप ही के किसी इसलिए आगरा के पास इलाके दूर दराज इलाके जहां पर करिए हैं, जहां आमतौर पर कोई दीन की बात करने वाले पहुंचते नहीं हैं, वहां हमारे अपने कुछ साथी पहुंचे तो देखा बहुत सारे लोग मुर्तद दीन से फिर गए, मुसलमान है नाम के लेकिन दीन से फिर चुके हैं। उन्होंने बगौर जायजा लिया तो उनको एक हकीकत समझ में आई, वो ये कि जिन करियों के अंदर मस्जिद रही है वहां कुछ ना कुछ लोग मुसलमान बाकी हैं, हालांकि वहां भी कोई दीन सिखाने वाला नहीं लेकिन मस्जिद है तो वो अपने आप को मुसलमान समझकर इस्लाम पर कायम है, और जिन करियों में मुसलमान थे लेकिन मस्जिदें नहीं थी वहां लोग मुर्तद हो चुके, उन्हें अपने नाम के अलावा कुछ इस्लाम के बारे में पता नहीं, वो अपने घरों में बुत रखे हुए हैं। ये वो मंजर है जो दुनिया वालों ने, ये माजी का सबक है जो बताता है कि मस्जिदों से ताल्लुक मिले और आपके दीन और ईमान की हिफाजत का जरिया है। और मुस्तकबिल से मुताल्लिक जो बात मैं आपको कहना चाहता हूं, देखें इस मुल्क के अंदर इस वक्त आप जानते हैं कि मुसलमानों को लेकर नफरत का माहौल है, मुसलमानों को लेकर बहुत कुछ हो रहा है। सियासत अपनी जगह पर हम सियासत की बात नहीं करेंगे लेकिन ये बात जरूर आपके सामने रखना चाहेंगे कि यहाँ का एक तबका चाहता है कि इस मुल्क में मुसलमान रहे लेकिन मुसलमान मुसलमान ना रहे। वो मुसलमान तो रहे लेकिन उसके पास इस्लाम की शनाख्त पहचान वगैरह बाकी ना रहे। अब इसका मुकाबला कैसे होगा? हम इस मुल्क में आजाद हैं, हमें अपनी पसंद से अपने रब की इबादत करने का इख्तियार है लेकिन अब इसकी हिफाजत कैसे की जाएगी? याद रखना मेरे भाइयों, रिश्ता मस्जिदों से मजबूत करो। हमारे बुजुर्गों का, हमारे नौजवानों का, हमारे बच्चों का मस्जिदों से रिश्ता मजबूत हो, हत्ता कि हमारी खवातीन का भी मस्जिदों से रिश्ता मजबूत हो। दुनिया की कोई ताकत ईमान की दौलत हमसे नहीं छीन सकती, दुनिया का कोई कानून हमारा और आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता अगर मस्जिदों से वाकई मानों में हमारा रिश्ता मजबूत रहे। नौजवान यहाँ तालीम बालिगा, नौजवानों की तालीम और तरबियत का एहतमाम हो, ख्वातीन की तालीम और तरबियत का भी एहतमाम हो, और बच्चों के लिए मकतब का खास तौर पे मस्जिदों में एहतमाम हो, और बुजुर्गों के लिए जब भी इबादत कोई भी आके करना चाहे मस्जिदें खुली रखी जाए जितना मुमकिन है उतनी। तो आप यकीन रखिए मुस्तकबिल के जो खतरात महसूस किए जा रहे हैं उनका सद्देबाब करने को, उनको रोकने में बड़ी कामयाबी मिलेगी। मैं अपनी गुफ्तगु और आज की ये गुफ्त का ये खिताब आखिरी एक हदीस सुनाकर खत्म करता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बयान फरमाई, रोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला सात किस्म के लोगों को अपने अर्श के साए तले जगा देगा जबकि उस साए के अलावा कोई और साया उस दिन नहीं होगा। आपको पता है सूरज सर के बिल्कुल करीब होगा, लोग पसीने में डूबे हुए होंगे, कोई घुटने तक, कोई टखने तक, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, हत्ता के बाद लोगों के यूं समझिए कि उसने अपनी गर्दनों हलक तक पहुंचा हुआ होगा। ऐसी कैफियत में अल्लाह ताला अर्श के साए तले सात खुशकिस्मत लोगों को जगा देगा। उनमें से एक अल्लाह के नबी ने कहा वो रजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन बिल मसाजिद, वो आदमी भी होगा जिस आदमी का दिल मस्जिदों से जुड़ा हुआ है। मस्जिदों से हमारा ताल्लुक, हमारा दिल मस्जिदों से जुड़ा रहे तो अल्लाह के नबी ने कहा मस्जिदों से जिसका ताल्लुक हो, जिसका दिल मस्जिद में अटका रहे, उसके लिए अल्लाह ताला कयामत के दिन इतनी बड़ी फजीलत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, अल्लामा मोहम्मद अब्दुल रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाहि अलैहि इस हदीस की शरह करते हुए बड़ी प्यारी बात लिखी, दो जुमलों में सारी हकीकत बयान कर दी। कह दिया, कहा मोमिन मस्जिद में रहता है तो वैसे ही सुकून महसूस करता है जैसे मछली पानी में सुकून महसूस करती है, और मुनाफिक जब मस्जिद में होता है वैसे ही बेचैनी महसूस करता है जैसे किसी परिंदे को पिंजरे में कैद कर दिया है। अब हम और आप देख लें कि हमारी और आपकी कैफियत क्या है, अगर कमजोर है ताल्लुक या नहीं है ताल्लुक, या हमारे दिलों के अंदर वही वहशत महसूस होती, अपनी इसलाह करें। मस्जिदों से ताल्लुक मेरे और आपके दीन और ईमान की अलामत है। इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह, मस्जिदों को आबाद करते तामीर करते हकीकत में वही लोग हैं, मन आमना बिल्लाह, जो ईमान वाले होते हैं, और हम और आप ईमान वाले हैं तो मस्जिदों को हाथ से हमारा ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात और खवातीन को अल्लाह ताला के इन घरों को वाकई मानों में आबाद करने की तौफीक अता
فرمائے, اللہ تبارک و تعالی مسجدوں سے ہمارے رشتے اور تعلق کو مضبوط فرمائے, اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کے تعمیر کرنے والے بھی اور اسے آباد کرنے والے جو بھی لوگ ہیں سب کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے, ان سب کے لیے اللہ تعالی اس مسجد کو ذخیرہ آخرت بنا دے, اللہ تعالی ہم اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.